प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे और उसके साथ ही वो 1,00,000 स्ट्रीट वेंडर्स को लोन भी बांटेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शाम 5 बजे होगा और इसी दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखने वाले हैं। रूबिका जी बात पूरी होने दो, रूबिका जी बात पूरी होने दो। मैं अनुरोध ये कर रहा था कि आप मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की बात आपने की होगी, पर बेरोजगारों को लीगल राइट दिया गया है कि सोशल मीडिया पे वो जुआ खेले। हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑनलाइन लीगल जुए की व्यवस्था को विधानसभा में पास कर दिया। ये सवाल का आपने नहीं दिया, ये हुआ क्यों? अब ये मीडिया को इसका प्रोपोगंडा बनाना था। अब इनने कहा, अभी मुझसे पहले जो जर्नलिस्ट थे उनका मैं बहुत आदर करता हूँ, उन्होंने कहा कि विपक्ष वैसी आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहा है। आदरणीय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि विपक्ष जब जब भी कमजोर होगा तो मीडिया सहयोग नहीं करेगी तब होगा, और मीडिया आज तो कुछ भी करती रहे पर जिस दिन विपक्ष समाप्त होगा, जब मीडिया की भी हालात वही होगी जो विपक्ष की होगी, दोनों एक दूसरे के एक तरह से चोली दामन का साथ। जीतू जी, ये तो इसकी भी कमी आई है। आप मुझे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? जीतू भाई, ये जो मैंने इस वक्त मुद्रा बनाई हुई है ना, ये अच्छा मैं बता देती हूँ, मुद्रा है पॉइंटिंग फिंगर एट द अदर पर्सन। बाकी तीन को आप नहीं देख रहे हैं, ये मीडिया मीडिया करने से कोई बात नहीं। आप कहना चाहते हैं आपकी छोटी बहन हो, आप कह दीजिए जितना आपको मीडिया 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 करना है वो कर दीजिए, लेकिन जनता को जाकर क्या कहेंगे कि मीडिया ने उनको जाकर रोका? ये थोड़ी होगा। आप क्या वो माहौल बना पा रहे हैं, यही अक्कू जी पूछ रहे थे। प्लीज स्क्रीन पर अक्कू जी को देखिए। अब ये सवाल तो ये है कि आपने इतना किया और ये चुनाव, चलिए ठीक है अभी का जो होगा होगा, इससे 2-3 महीने पहले जो चुनाव हुआ उसमें क्या कर लिया था, आप क्यों नहीं उसके खिलाफ में माहौल हो पाता है, क्यों नहीं एक जेन्युइन बात हो पाती है? मैं बता देता हूं, बीजेपी अपने, मैंने अभी जो लिस्ट को देखा है, बीजेपी अपने तीन 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 फॉर्मर सीएम्स को चुनाव लड़वा रही है। देखिए, मनोहर खट्टर बसवराज बोमई कर्नाटक में लड़ रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड हरिद्वार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड में दो ही सीटों का घोषित हुआ है, दो में एक, दो में अनिल बलूनी है, तो दोनों ही वीआईपी सीट हो गई, हरिद्वार भी हो गई और पौड़ी भी हो गई, तो पौड़ी से अनिल बलूनी है और साथ ही साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत को जगह सीट मिली है हरिद्वार की, और शंकर लालवानी को इंदौर से चुनाव लड़वा रही है भारतीय जनता पार्टी। शंकर लालवानी पर और छिंदवाड़ा पे भी बीजेपी ने कैंडिडेट दे दिया है, जो मेरे पास जानकारी आ रही है, छिंदवाड़ा से कैंडिडेट को उतारा गया है, बंटी कैंडिडेट को उतारा गया है। जीतू पटवारी, छिंदवाड़ा के कैंडिडेट पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे और शंकर लालवानी पर खासतौर पर, क्योंकि आप भी उसी बेल्ट से आते हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बीजेपी ने उम्मीदवार दिए होंगे, वो उनका अपना जुडिक्शन है, मैं उस पर कुछ बात नहीं करना चाहता, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट पोल आप लोग मेहनत करते हैं, आप जर्नलिस्ट हो, आपकी मीडिया की एक रिस्पेक्ट है, मैं भी करता हूँ, मैं उनसे अलग नहीं हो सकता, पर इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए भी जो असल मुद्दे उन पे भी तो इस तरह की आप फिनोमा बनाएं, ये मेरा अनुरोध है बस, और कोई मेरी बात पूरी लगी। हम तो सब मुद्दे कवर करते हैं, अब राहुल जी की यात्रा चल रही है तो उसको भी कवर कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी ने बड़ी लिस्ट जारी करी है, 70-72 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करी है, लेकिन बड़े नाम अगर हम देखें, अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं, बसवराज बोमई चुनाव लड़ रहे हैं कर्नाटक के अंदर, त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं, अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे हैं, ये समय की बड़ी खबर है। इसके अलावा कई बड़े नाम हैं जिनको टिकट मिला है, नितिन गडकरी को नागपुर से दोबारा वो अपनी किस्मत आजमाएंगे, पंकजा मुंडे भीड़ से चुनाव लड़ रही हैं, तो बड़े सारे नाम आए हैं बीजेपी के अंदर, तो 195+72 बीजेपी 250 की लिस्ट जारी कर चुकी है रूबिका, ये इंटरेस्टिंग है अपने आप में। अभी लेकिन इस लिस्ट के बाद भी संभावनाएं बहुत हैं, उत्तर प्रदेश अभी पिटारा खुलना बाकी है, बिहार का पिटारा खुलना बाकी है, और जिस बड़े नाम जितते हैं उसमें निश्चित रूप से और ये दोनों कैंडिडेट नए उतारे गए हैं, कैंडिडेट जो बिल्कुल नाम नहीं था जिनका, 7 में से 5 पहली लिस्ट में आए थे और 2 जो आए हैं दिल्ली में सभी बदल दिए, एक को मनोज तिवारी को सिर्फ रिटेन करा है, बाकी सब कैंडिडेट बदले हैं।
बाकी सब कैंडिडेट एक परसेप्शन की जो बैटल है उसके लिए बीजेपी हमेशा जारी जाती है और उसको जैसा पहले आगे कर रही शर्मा है। कह रहे थे कि बहुत यहाँ पर मंथन हुआ है, बड़ा चिंतन हुआ है और उसके बाद ये लिस्ट आई है, लेकिन यही चीज इंडिया गठबंधन ने भी किया है, बड़ा मंथन और चिंतन और उसके बाद वो लिस्ट सामने आई है। दोनों की तरफ से दो दो लिस्टें आ चुकी है और अब हमारी तरफ से आपके लिए एक नया राज्य आने ही वाला है, बिल्कुल नया राज्य आने वाला है और धमाके के साथ आने वाला है। लेकिन मेरे साथ कई मेहमान हैं, सतीश जी मध्य प्रदेश और केरल का नंबर, केरल में बीजेपी को अगर दो मिल रही है तो ये कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात है? देखिए केरल में अगर बीजेपी को दो मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता फिर वो दो पर रुकेगी, आप ये समझिए इस बात को। और वहां पर आपने चार जो है आप लेफ्ट एलडीएफ को भी दिखाया है जो आपकी फाइंडिंग्स हैं। दिल्ली के गाजीपुर में बेकाबू कार ने सात लोगों को रौंद दिया है। सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई जबकि छह लोग घायल हो गए हैं जिनका इलाज पास के अस्पताल में हो रहा है। इलाके में गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ की जबकि आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया और आगे की जांच जारी है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, दिल्ली के गाजीपुर में यह हादसा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बेकाबू कार ने सात लोगों को रौंद दिया है। सड़क हादसा यहां हुआ और इस हादसे में एक महिला की जान चली गई है, छह लोग घायल हो गए हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अपडेट है फिलहाल घायलों को लेकर? देखिए जो घायलों की स्थिति है वो पहले से थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जिस तरह से टक्कर लगी थी, जिस तरह से हिट किया गया था कार के द्वारा, अब उसका सीसीटीवी भी सामने आया था और बेहद खतरनाक तरीके से ये गाड़ी ड्राइवर जो है वो ड्राइव कर रहा था और जिसे पकड़ा गया है। हालांकि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने गाड़ी को रोककर उसकी पिटाई भी की थी, उसकी गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया था। जो घायल अभी अस्पताल में फिलहाल 12-13 लोग घायल थे जिसमें से सात लोग ही अस्पताल पहुंचे। पुलिस का यह अनुमान है कि हो सकता है कुछ लोग प्राइवेट निजी अस्पतालों की तरफ गए हों जिनका पता लगाया जा रहा है, और जो अभी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में है उनकी हालत ठीक है ये बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला की मौत देर रात ही सामने आ गई थी जो खोड़ा इलाके की रहने वाली थी। और इसके जो जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका जुड़ने के लिए। हम तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भीषण सड़क हादसा हुआ, बेकाबू कार ने किस तरीके से रौंद दिया है, क्योंकि देखिए मार्केट आपको नजर आएगा गाजीपुर में और वहां पर ये पूरा हादसा हुआ, कार में तोड़फोड़ की गई, गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ की है। और तीसरी तस्वीर, छह लोग घायल हो गए, एक महिला की जान तक चली गई है। और महाराष्ट्र में एंट्री के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा विवादों में गिर गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने राहुल गांधी पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अनादर करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मालेगांव में राहुल गांधी की यात्रा का एक वीडियो शेयर किया जिसमें राहुल गांधी की यात्रा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास से गुजरती दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता